वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास एट हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्दर रेस्ट ऑफ द टॉप रेस्ट ऑफ़ द थिंग्स इन दबडो अब्दुल रहमान कहता है यहाँ से पढ़ेंगे हम अब्दुल रहमान वाज क्वाइट एंड एकम्प्लिस्ड पोएट एंड स्कॉलर काफी वो पहुँचे हुए इस्कोलर और पोएट थे ही रोट पर्सिन पोएट्री न्यू हाफिज बाई हार्ट एंड अ गुड पोर्सन ऑफ द सिंधी पोएट्स इन दिस ही रोट पर्सिन पोएट्री न्यू हाफिज बाई हार्ट एंड अ गुड पोर्सन ऑफ द सिंधी पोएट्स है ना अब्दुल रहमान साहब जो थे वो काफ़ी पहुंचे हुए स्कॉलर थे और कवि थे उन्होंने पर्सियन पोइट्री लिखा हाफिज बाय हार्ट एंड अ गुड पोर्शन ऑफ द सिंधी पोइट्स शाह अब्दुल लतीफ एंड सामी ऑफ सेंट साचल द थर्ड प्रीमियर पोइट ऑफ सिंध ही वाज डिवोटेड डिसिपल न्यू उर्दू ऑल्सो ठीक है वो उर्दू भी जानते थे वैन पीपल रिसीव लेटर्स इन उर्दू फ्राम पंजाब दे वुड टेक दैम टू अद अडो अब्दुलरहमान टू रीड एंड इंटरप्रेट देम है न मतलब कि जब भी ये काफ़ी उर्दू पढ़े लिखे थे तो कभी पंजाब से पत्र आता था तो लोग क्या करते थे इनके इनके पास रहमान साहब के पास ले जाते थे ताकि वो उनको पढ़ करके और सुन समझा सकें ही वॉज़ अ क्वाइट एंड जेंटल दैम टू अडो अब्दरहमान सॉरी ही वॉज ही वॉज ऑफ ए क्वाइट एंड जेंटल डिस्पोजिशन है ना डिस्पोजिशन मीन्स होता है uh, किसी के नेचर में किसी चीज़ का होना ठीक है क्वालिटी कोई गुण होना किसी के नेचर में गुण होना ही कोवेटेड कोवेटेड मीन्स होता है काफ़ी एस्पायरिंग काफी, uh, काफी महत्वाकांक्षी है ना ही कोवेटेड नथिंग हैड फ्यू वॉन्ट्स है ना कुछ नहीं था उनके पास Uh, कोई डिजायर नहीं थी कुछ चाहत थी एंड एट स्पैरिंगली हिज गोदरी है ना द ओल्ड क्विल्ट वॉज ऑलवेज रैप्ड अराउंड हिम वॉट एवर द सीजन ठीक है कोई भी सीजन में वो अपने जो चद्दर ओढ़े हुए रहते थे एट नाइट इट सर्व्ड एज अ कवरिंग हाउ एवर ऑपरेसिव द वेदर ही ही हैड हिज़ गोदरी अबाउट हिम एंड डिफाइड द हीट दो अदर मैन नियरली डाइड ऑफ इट ठीक है हु नोज दैट सीक्रेट कन्वर्स ही हेल्ड विद द डिवाइन बिलोव अंडर द कवर ऑफ हिज गोदरी वो आपस में बातें करते थे ठीक है ऐसा लगता था वो अपने बिलोव से बात कर रहे हैं ठीक है थीके? वो गोदरी के अंदर वन डे एन इनोसेंट मैन फाउंड हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ही वॉज एक्यूज ऑफ हैविंग स्टोलन अ गोल्ड वॉच बिलोंगिंग टू वेल्दी मुस्लिम मर्सेंट एक एक बार क्या हुआ कि एक इनोसेंट मैन जो है वो इन्वॉल्व हो गया क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में ठीक है तो उसपे लांछन लग गया आरोप लग गया था कि वो एक गोल्ड वॉच जो कि एक धनी मुस्लिम व्यापारी था उसका चुराया ठीक है द पुलिस हैड हिम एंड फाउंड इट ऑन हिज पर्सन इन फ्रंट ऑफ फिटनेस एविडेंस अगेंस्ट हिम वॉज स्ट्रॉन्ग एंड इट सीम्ड

वेमेन फोक ऑफ द मर्चेंट वेन ही वॉकड पास हाउस वन डे एंड दैट द मर्चेंट है और उसको क्या किया गया बहुत बुरी तरीके से उस धनी व्यापारी के द्वारा पीटा गया बट फॉर अब्डू अब्दुलरहमान हुई चांस अपियड ऑन द सीन द मैन माइट है न आगे देखेंगे इवन आफ्टर अडो अब्दुलरहमान इंटरसेशन इंटरसेशन मतलब होता है किसी के बीच में टांगाना इंटरसेशन द मर्चेंट वुड बी नॉट बी अपीज अपीज मीन होता है मेड पीस विथ ठीक है फिर भी वो शांत नहीं हुआ ही सेड दैट फेलो फेलो हैड कास्ट एंड एविल आई ऑन हिज ऑनर एंड दैट इट वॉज इंटोलरेबल दैट ही शुड कंटिन्यू टू लिव देयर आफ्टर बोल रहा है कि अगर वो वो हमारे घर की महिलाओं के ऊपर निगाह डाला है हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे ठीक है रहमान बिगैन टू तो कन्फर्म विथ हिमसेल्फ अपने आप से वो बात करने लगा द मर्चेंट विल नॉट डिजिस्ट फॉर हिज ऑनर इज एवरी इज वेरी डियर टू हिम ही हैज़ अ सिस्टर थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड ऑफ एज एंड येट ही विल नॉट फाइंड हर अ हजबेंड बिकॉज शी विल देन डिमांड अ शेयर ऑफ हर इनहेरिटेंस ठीक है कि वो कहा कि वो जो है आ, उसको अच्छा पति नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो इस तरह से आ, मतलब पाप का भागीदार हो रहा है तो फिर कहता है नो अडो रहमान नो अडो रहमान ही एडेड टू हिमसेल्फ डू नॉट लिफ्ट द विल फ्रॉम अनदर मैंस अफेयर ठीक है बेटर रीजन वंस अगेन विद द मर्चेंट इफ़ ही कंटिन्यूज टू बी एब्सटिनेट यू मे स्पीक द होल ट्रूथ हाउ एवर ही हैड मम्बल्ड दिस अलाउड एंड द मर्चेंट एंड अदर हैड हॉर्ड द मर्चेंट डिसाइडेड टू ड्रॉप द केस एंड दस द poor मैन was सेफ्ट ठीक है उसके बाद कहा कि ठीक है मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और इसको बचाने की पूरा वो प्रयास करूंगा तो यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो है अब बोलता है कि मैं इसके को केस को आ, लेता हूँ उसके बाद वो बाद में जो है अब कोर्ट वगैरह में जाएंगे ठीक है तो यहाँ तक आपने क्लियर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा आगे क्लास में हम बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे ठीक है क्लियर बच्चों और इसका वर्ड मीनिंग आप लिखते जाएंगे अपनी अपनी कॉपी में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज़ क्लास थैंक यू